What's up guys, this is Nanish, certified nutritionist and supplement specialist from Canterbury. Welcome back to my channel and I'm food science. काफी लंबे टाइम स्पैन से लोगों के दिमाग में काफी ही कंफ्यूजन्स चल रही हैं मिथ्स है पानी को लेके कि 8 गिलास पानी पीना है दिन में, खड़े होके पानी नहीं पीना, पानी आपके घुटनों में जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, एंड अलोंग विद दैट रियली इनसेन डिटॉक्स वाटर. क्या आपने कभी ह्यूमन हिस्ट्री में सुना है डिटॉक्स वाटर? आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वेट लॉस वाटर, जिसके कारण काफी लोगों में काफी सारे सीरियस हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, उनको सीरियस हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम आ रही है. काफी सारे ओवरनाइट हेल्थ एक्सपर्ट्स, स्टूपिड एंड डम जिम ट्रेनर्स अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं आप आइदर पानी काफी ही कम कंज्यूम करें और आइदर आप पानी काफी ज्यादा कंज्यूम करें ताकि आप वेट लॉस कर सके. एंड गाइस, वो ऐसी स्टेटमेंट इस कारण देते हैं कि अगर आप दिन में पानी कम कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में पानी कम होल्ड होगा एंड आपका जो वेइंग स्केल पे वेट है वो कम आएगा. और आइदर वो आपको रिकमेंड करते हैं आप काफी ज्यादा पानी कंज्यूम करें, एंड जब भी आप काफी ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो फूड इनटेक होती है वो कम हो जाती है. वो साथ में ये भी रिकमेंड करते हैं कि जो अगर आपको भूख लगी है इंस्टेड ऑफ ईटिंग फूड आप पानी कंज्यूम करें, जिसके कारण आपके सीरियस हेल्थ इश्यूज के चांस बढ़ते हैं, आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के चांसेस बढ़ते हैं. ऐसे केसेस में काफी सारे लोग जो होते हैं काफी तरह के फूड्स को अवॉइड कर देते हैं, काफी फूड कम कर देते हैं, उनमें सीरियस हेल्थ इश्यूज के चांस बढ़ते हैं, उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के चांसेस बढ़ते हैं. ऑब्वियसली हमारी बॉडी का 60-70% जो बॉडी कंपोजिशन है, जो बॉडी वेट है, वो पानी का ही होता है. वाटर हमारी बॉडी में जितने भी जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करते हैं, जितनी मांसपेशियां होती हैं जितनी भी उनको ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करता है. अलोंग विद दैट पानी हमारी बॉडी में जो वेस्टेज होती है उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करता है. लीवर एंड किडनी के लिए पानी बहुत ही जरूरी होता है ताकि वो हमारे बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जितना भी वेस्ट बायो प्रोडक्ट है, उसको फ्लश आउट कर सके थ्रू यूरिनेशन, थ्रू फेसेस. अलोंग विद दैट पानी हमारी बॉडी में जो कोर टेम्परेचर होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है. इसके अलावा पानी की हेल्प से हमारी बॉडी में जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पानी उन न्यूट्रिएंट्स को एंड ऑक्सीजन को हमारे सेल्स तक कैरी करने में हेल्प करता है. जब भी हम कोई खाना कंज्यूम करते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं, एंड पानी उन इंटेस्टाइन पानी हमारी बॉडी में उस इंटेस्टाइन से हमारे सेल्स तक उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को, उस आइदर कार्ब्स, प्रोटीन और अमीनो एसिड, व्हाटएवर इट इज, उनको ड्राइव करने में हेल्प करता है, काम करता है एज अ कैरियर. सो ऑफ कोर्स एक हेल्दी बॉडी के लिए हमारा वेल हाइड्रेटेड होना बहुत ही जरूरी है, बट दैट डजंट मीन कि हम पानी को काफी ही ओवर कॉम्प्लिकेट कर दें. देयर इज नो सच थिंग एज डिटॉक्स वाटर, देयर इज नो सच थिंग एज वेट लॉस वाटर, और इवन ड्रिंक वाटर फॉर अ वेट लॉस, वेट लॉस करने के लिए पानी पीजिए. गाइस, एवरी सिंगल डे हमारी बॉडी में से पानी लूज होता है. वी लूज वाटर एवरी सिंगल डे. जब भी हम यूरिनेट करते हैं, जब भी हमें स्वेटिंग होती है, बाउल मूवमेंट होती है, डाइजेशन होती है, एंड इनफैक्ट जब हम सांस भी लेते हैं, ब्रीथिंग भी करते हैं, बोल रहा हूँ, हम कुछ भी डेली बेसिस पे कोई भी काम कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी में वाटर लूज होता है, वाटर बर्न होता है, एंड ऑल वी नीड इज टू रिप्लेनिश दैट वाटर. जो भी हमने पानी लूज किया है हमें बस वही पानी कंज्यूम करना है, हमारी पानी की इंटेक उतनी ही इनफ होती है, दैट्स अ हेल्दी नंबर. नाउ पानी की जो इंटेक होती है वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, पर्सन के ओवरऑल जो क्लाइमेट पे, कहाँ वो रह रहे हैं, पर्सन की एज पे, पर्सन की फिजिकल एक्टिविटी पे, क्या वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हैं जो, और आइदर वो क्या वो काफी फिजिकली एक्टिव है, ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन कि उसकी पानी की इंटेक कितनी होगी. ऑब्वियसली देयर इज नो सच थिंग एज 8 ग्लास वाटर पर डे, पर इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं डीबग करूंगा जितनी भी वाटर को लेके कन्फ्यूजन्स है, जितनी भी वाटर को लेके मिथ्स बने हुए हैं, उन सबको क्लियर आउट करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ कॉमन सेंस, ऑन बिहाफ ऑफ न्यूट्रिशनल रिसर्च पेपर्स. एंड आई होप ये वीडियोस, ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. एंड गाइस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि डाउन द रोड जितनी भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड वीडियोस आने वाली है आप उनकी हेल्प से अपनी एंड अपनी फैमिली की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें. गाइस, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर, ओवर एंड आउट.